65 का रन पड़ा तो वतनी अजीज के दिफा के लिए सब सर बकफ हो गए। अय्यार दुश्मन ये नहीं जानता था कि इसने किस कौम को ललकारा है, जिसका हर बच्चा और जवान वतन पर निसार होने को तैयार है। मेजर शब्बीर शरीफ का शुमार भी इन जवानों में होता है जो दुश्मनों के रास्ते में सीसा पिलाई दीवार बन गए और सितारा शुजात हासिल किया। 71 की जंग में वो शहीद हुए और निशाने हैदर के हकदार ठहरे। इनको ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने काकुल में तरबियत मुकम्मल होने पर एजाजी तलवार हासिल की और ये इनकी जिंदगी का यादगार लम्हा था। अकेडमी में गए तो जो इंस्पिरेशन थी वो उनके कज़न है मेजर अजीज भट्टी। हमारी फैमिली में यूनिक ये एक चीज़ है कि दो निशाने हैदर हैं, एक मेजर अजीज भट्टी पहले 65 की वॉर में और फिर मेरे वालिद जो उनके कज़न भी हैं 71 की वॉर में। तो वो हमेशा उनको देखते थे क्योंकि उनसे बड़े थे अजीज भट्टी, तो उनको उनसे इंस्पिरेशन लेते थे, उनको देखते थे और कहते थे कि ये मेरे जैसा एक रोल मॉडल होता है, बड़ा भाई होता है, तो उस तरह उनको देखा करते थे। और फिर एक चीज़ जो यूनिक थी मेरे वालिद की वो ये थी कि वो अपने मुल्क के बारे में कोई गलत चीज़ नहीं कभी भी सुनते थे। मैदर शब्बीर शरीफ के पोते और पोतियां अपने दादा की शुजावत और बहादुरी पर नाजा हैं और इनके एजाजात और तमगों को बहुत फख्र से देखते हैं। मैदर शब्बीर शरीफ की खाकी वर्दी और इनका सर्विस रिवाल्वर इस खानदान के लिए किसी बेश कीमत खजाने से कम नहीं। शहीद की बहू मिसिस तैमूर का कहना है वो अपने अजीम ससर की यादगार अशिया पर मुश्तमिल म्यूजियम बनाएंगी। जब शिफ्ट किया तब मैंने एक कमरा सोचा हुआ था कि उसको मैं प्रॉपरली बनाऊंगी, उनके सारे मेमोरबिलिया, उनकी जितनी डिग्रीज हैं, उनका रिकॉर्ड प्लेयर है, उनका कैमरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तैमूर के पास उनकी काफ़ी लेटर्स हैं एंड मैनी मैनी थिंग्स जो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और जिनको देखने का, और हम तो बार बार बैठ के कभी कभी खोल के देखते हैं। तो आई वॉन्ट कि कोई ऐसी जगह हो जिधर ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर हों और एक ही जगह पर हम उनको देख सकें, इन्जॉय कर सकें। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 65 की जंग में जख्मी होने के बाद भी दुश्मनों का मुकाबला किया और सितारा जुर्रत हासिल किया और 71 की जंग में अपने खून से कुर्बानी की ऐसी लाजवाल दास्तान रकम की के सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर हासिल किया। पाक फौज के शेर जवानों ने अर्ज वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके ये बात साबित कर दी कि शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ आसिफ जाफरी, सिटी 42।